आप देख रहे हैं दखल न्यूज। यानी बिना ट्रैफिक सिग्नल वाली टाउनशिप। गुड प्लान सर। लो भेजो। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना? तो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव। समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। हाँ यार, एक आइडिया है तो समृद्ध एमपी के लिए। पब्लिक हेल्थ केयर से रिलेटेड है। हाँ ठीक है, शाम को मैं फ्री होकर भेजता हूँ भाजपा को। प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना? दीजिए भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव। समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। संघर्ष बहुत किया, अब आराम करूं और अपने अनुभव के आधार पर रोजाना एक आइडिया समृद्ध एमपी के लिए भाजपा को दूंगा। तुम लोग भी अपने पेरेंट्स से उनके आइडिया शेयर करने को कहो ना। प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए इंतजार क्यों करना? पेरेंट्स से आज ही कहो कि वो भी दे भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव। समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। अरे देख, समृद्ध एमपी के लिए एक नया आइडिया है। और ये आइडिया तो तुम बाद में भी दे सकते हो, तो अभी चले। अरे अपने प्रदेश और उसके फ्यूचर से बढ़कर कुछ नहीं होता। अब बड़ी बात तो ये है, शिवराज है तो कॉन्फिडेंस है कि हमारे आइडियाज की वैल्यू की जाए। दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। सही। मेरा सुझाव मेरा चुनाव। समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। कितने मेहनती किसान है हमारे, बस थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए ना तो वारे ने। तो तुम मदद करोगे? कैसे? जब फसल कोल्ड स्टोरेज में आए तो कुछ राशि उनको एडवांस के तौर पर दे दो, और जब फसल बिक जाए वो राशि और भाड़ा काट किसानों को वापस दे दो। सॉलिड आइडिया यार। दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव। समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के 177 उम्मीदवार घोषित किए, 3 मंत्रियों के काटे टिकट। आरएसएस ने कहा कि राम मंदिर पर अदालत जल्द फैसला दे, इस मसले पर अदालत करे पुनर्विचार। राफेल पर फिर गरजे राहुल गांधी, कहा जांच हुई तो सरकार चली जाएगी। कांग्रेस नेता प्रेमचंद गुड्डू बीजेपी में, कमलनाथ से थे परेशान। और चुनाव में मोदी का हमशक्ल, डुप्लीकेट मोदी कांग्रेस के पक्ष में। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने 177 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बाकी सीटों पर फिलहाल पेंच फंसा हुआ है। कई दौर की बैठक के बाद ये नाम तय किए गए हैं। बीजेपी ने 3 मंत्री और 27 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने शुक्रवार को 230 में से 177 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इनमें से 3 मंत्रियों और 27 विधायकों के टिकट पार्टी ने काट दिए हैं। ग्वालियर संभाग में टिकट वितरण पर सापाक्स का असर साफ देखने को मिला। जिन 3 मंत्रियों के टिकट कटे हैं
उनमें शामिल है वन मंत्री गौरी शंकर शेजवार, राज्य मंत्री माया सिंह और जल संसाधन मंत्री हर्ष सिंह। माया सिंह की जगह ग्वालियर पूर्व से सतीश सिकरवार को टिकट दिया गया है। सतीश अभी पार्षद हैं। हर्ष सिंह सतना की रामपुर बघेलान सीट से विधायक थे, उनकी जगह विक्रम सिंह को टिकट दिया गया है। वहीं सेजवार के स्थान पर सांची से उनके बेटे मुदित को उम्मीदवार बनाया गया है। जिन मंत्रियों के टिकट बरकरार रहे हैं उनमें शामिल है खुरई से भूपेंद्र सिंह, दतिया से नरोत्तम मिश्रा, शिवपुरी से यशोधरा राजे सिंधिया, रहेली से गोपाल भार्गव, रीवा से राजेंद्र शुक्ल, विजय राजौगढ़ से संजय पाठक, नरेला से विश्वास सारंग, भोपाल दक्षिण पश्चिम से उमाशंकर गुप्ता, बालाघाट से गौरी शंकर बिसेन, उज्जैन उत्तर से पारस जैन, भोजपुर से सुरेंद्र पटवा, सिलवानी से रामपाल सिंह, ग्वालियर से जयभान सिंह, पवैया मुरैना से रुस्तम सिंह, गौहद से लाल सिंह आर्य। बीजेपी ने दो सांसदों को विधानसभा टिकट दिए हैं। उनमें शामिल हैं आगर सीट से मनोहर ऊंटवाल और नागौर से नागेंद्र सिंह। आरक्षण विरोधी आंदोलन की उपज सामान्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय सपाक्स का असर ग्वालियर संभाग की सीटों पर प्रत्याशी चयन में नजर आया। माना जा रहा है कि ठाकुर और ब्राह्मण प्रत्याशियों को मैदान में उतारकर भाजपा ने सपाक्स के असर को कम करने की कोशिश की है। माया सिंह को छोड़ दिया जाए तो रुस्तम सिंह, नरोत्तम मिश्रा, यशोधरा राजे, जयभान सिंह पवैया के टिकट मिलना यही संकेत देता है। राम मंदिर को लेकर भाजपा सांसद राकेश सिन्हा के ट्वीट के बाद अब इस मामले में संघ का बयान आया है। संघ ने कहा कि न्यायालय जन भावना को समझते हुए जल्द फैसला दे। यहां पिछले तीन दिनों से मुंबई में जारी संघ की बैठक के अंतिम दिन मीडिया को संबोधित करते हुए भैया जी जोशी ने संघ के विस्तार को लेकर जानकारी दी। इस दौरान जब उनसे राम मंदिर को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह आंदोलन 30 साल से चल रहा है और अब न्यायालय की प्रतीक्षा भी लंबी हो गई है। संघ के सर कार्यवाह भैया जी जोशी ने कहा कि राम मंदिर को लेकर 2010 में लखनऊ बेंच का निर्णय आया था और 2011 में सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा। तीन जजों की बेंच बनी तो हमें आशा थी कि कुछ निर्णय आएगा, लेकिन दुर्भाग्य से फैसला नहीं आ पाया और बेंच का कार्यकाल समाप्त हो गया। नई बेंच बनी और 29 अक्टूबर सुनवाई के लिए तय की गई। हमें उम्मीद थी कि दिवाली से पहले कुछ शुभ समाचार सुनने को मिलेगा, लेकिन मामला अनिश्चित समय के लिए टल गया। तो दिवाली के समय में हमेशा ही हम सबके हृदय में रहते हैं, आपके भी हृदय में राम है। कोई अनुभव करता है, कोई अनुभव नहीं करता है, पर राम तो सब दूर विराजमान है, लेकिन उसका प्रकट रूप होता है मनी रोग के द्वारा। और इसको लेकर लगभग 30 वर्षों से इस आंदोलन में हम सब लोग उतरे हैं। स्वाभाविक रूप से समाज की अपेक्षा है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने। कानूनी कुछ बाधाएं अवश्य है और हम अपेक्षा कर रहे हैं कि न्यायालय इसमें और हिंदू समाज की भावनाओं को समझकर न्याय देगा, ऐसा हमारा विश्वास है। भैया जी जोशी ने कहा कि सुनवाई टलने को लेकर जब कोर्ट से पूछा गया तो कोर्ट ने कहा कि हमारी प्राथमिकताएं अलग हैं, इससे हमें आहत हुआ। यह करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है और अगर न्यायालय की प्रायोरिटी में नहीं आता है तो यह आश्चर्यजनक है। इससे हिंदू समाज अपमानित महसूस करता है। हम न्यायालय से अपील करते हैं कि वो इस पर पुनः सुनवाई करें। हमने कभी न्यायालय के निर्णयों की उपेक्षा नहीं की। हम संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन न्यायालय की भी जिम्मेदारी है कि वो जनभावना को समझें और इस मुद्दे पर फिर से पुनर्विचार करें। जब उनसे राम मंदिर पर अध्यादेश को लेकर सवाल पूछा गया तो भैया जी जोशी ने कहा कि कानून बनाने और अध्यादेश बनाने की मांग जिन्होंने की यह उनका अधिकार है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर फिर हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि राफेल सौदे को लेकर डसॉल्ट के सीईओ झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि रिलायंस से डील इसलिए की क्योंकि उसके पास जमीन थी, लेकिन असलियत में जिस जमीन के आधार पर सौदा हुआ है वो जमीन रिलायंस ने डसॉल्ट द्वारा निवेश किए गए 284 करोड़ से खरीदी थी। राहुल ने आगे कहा कि राफेल एक ओपन एंड शट केस है, यह पीएम मोदी और अनिल अंबानी की पार्टनरशिप है। अगर मोदी सरकार के खिलाफ जांच शुरू होती है तो मैं दावा करता हूं यह बचेगी नहीं।
एक कारण है कि डील में भ्रष्टाचार हुआ और दूसरा कारण यह है कि यह फैसला किसने किया। राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ देने के लिए डील की। डसॉल्ट सीईओ ने कहा था कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट इसलिए दिया गया क्योंकि उसके पास जमीन थी, लेकिन जमीन को एचएएल के पास भी थी और जो जमीन रिलायंस के पास थी वो डसॉल्ट द्वारा निवेश किए पैसों से ली गई थी। अनिल अंबानी जी के पास जमीन थी, आपने ही ये बात उठाई थी ना, आपने कहा था, किसने कहा था आप में से किसी ने कहा था कि राफेल सीईओ है सेड। अब बात निकलती है कि अनिल अंबानी की कंपनी में डसॉल्ट ने 284 करोड़ रुपए डाला और उसी पैसे से अनिल अंबानी ने जमीन खरीदी। मतलब साफ डसॉल्ट का सीईओ साफ झूठ बोल रहा है। और बहुत बड़ा सवाल उठता है कि व्हाट इज द कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी। 8 लाख रुपए की कंपनी में जो कुछ नहीं कर रही है, लॉस मेकिंग कंपनी है, उसमें 284 करोड़ रुपए डसॉल्ट ने क्यों डाले, क्या लगता है आपको? इसको किकबैक कहते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ किकबैक दैट हैज बीन गिवन टू मिस्टर अनिल अंबानी बाय डसॉल्ट एंड दिस इज क्लियर एज डे। पिछले महीने के अंत में आए डसॉल्ट सीईओ एरिक ट्रिपियर ने कहा था कि रिलायंस से डील करने के लिए डसॉल्ट पर कोई दबाव नहीं डाला गया था। अनिल अंबानी 30 पार्टनर्स में एक थे। अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप को इसलिए चुना क्योंकि उनके पास नागपुर के नजदीक जमीन थी। फिलहाल समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कितना अच्छा होता ना अगर सरकार सब्सिडी वाले फिल्टर गांव-गांव बंटवा देती। आइडिया तो बढ़िया है तेरा, चल अभी भाजपा को सुझाव भेजते हैं। और शिवराज भैया हैं तो ये विश्वास है कि हमारे सुझाव से सबको फायदा होगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना, तो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। बुकिंग्स मिल जाती है साहब? बुकिंग तो बहुत हो जाती है लेकिन सारा बेनिफिट बाहरी कंपनियां ले जाती हैं। सोच रहा हूँ कि आइडिया भाजपा को दूं। कस्टमर से जोड़ने वाली ऐप गवर्नमेंट खुद बना दे ताकि हमारा बेनिफिट हमारी जेब में रहे। बहुत अच्छा आइडिया है, तो फिर समृद्ध एमपी बनाने में देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। आइडिया है मेरे पास। अखबार छपने की डेडलाइन खत्म हो रही है और तुम लोग बैठकर बातें कर रहे हो। बातें नहीं सर, दरअसल मिलिंद अपना आइडिया शेयर कर रहा था। कोई इफेक्टिव आइडिया? हाँ सर। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में इतनी देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। अब तो ऐसा लगता है ना कि कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर मैं जरूरतमंद लड़कियों को ये काम सिखा सकूं। लेडी स्किल शेयरिंग सेंटर, समृद्ध एमपी के लिए भाजपा को दीजिए ना ये सुझाव। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी किस बात की, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में भाजपा में शामिल हो गए। उधर इंदौर के भाजपा कार्यालय में गुड्डू के बेटे अजीत बैरासी ने भाजपा की सदस्यता ले ली। अजीत युवक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष थे और गुड्डू कांग्रेस में दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते थे। कांग्रेस नेता प्रेमचंद गुड्डू ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह और बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के समक्ष बीजेपी ज्वाइन की। प्रेमचंद गुड्डू का यह मानना है कि कांग्रेस में लगातार उनकी उपेक्षा हो रही थी, इसे लेकर उन्होंने पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से मुलाकात भी की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। गुड्डू उज्जैन से सांसद भी रहे और उज्जैन में नियुक्तियों के दौरान उन्हें नजरअंदाज किया गया। उज्जैन में लगभग सभी पद कमलनाथ के समर्थकों को दिए गए, जिससे गुड्डू काफी नाराज हुए। बताया गया है कि गुड्डू ने कमलनाथ को दो टूक कहा था कि जब जिला और ब्लॉक कांग्रेस पे उनके हिसाब से नियुक्तियां नहीं हो रही हैं तो चुनाव में क्या होगा। इस बैठक में दिग्विजय सिंह भी शामिल थे, जिन्होंने गुड्डू का साथ दिया। इस पर कमलनाथ ने गुड्डू को केवल आलोट पर ही ध्यान देने को कहा था। तराना के टिकट को लेकर कमलनाथ और गुड्डू में विवाद की स्थिति बनी थी। गुड्डू ने भाजपा से जुड़ने का एक कारण यह भी था कि उनकी प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से बिल्कुल नहीं बन रही थी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आलोक अग्रवाल ने अपने प्रत्याशियों की 12वीं सूची जारी की। आलोक अग्रवाल ने बताया कि संजय सिंह अब चुनाव तक मध्य प्रदेश में रहेंगे और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार करेंगे। आपकी 12वीं सूची में 20 प्रत्याशियों की घोषणा की गई। इसके बाद प्रत्याशियों की संख्या 192 हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष आलोक अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा में कोई भेद नहीं रहा है, दोनों ने ही भ्रष्टाचार किया है, इसीलिए प्रदेश में आपको पूरा समर्थन मिल रहा है। बसपा के पूर्व जोन प्रभारी और भोपाल के पूर्व जिलाध्यक्ष शिव नारायण अहिरवार ने भी आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। आप नेता आलोक अग्रवाल से हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा ने बातचीत की तो आलोक अग्रवाल का कहना था आने वाले चुनाव में चौंकाने वाले परिणाम आएंगे और प्रदेश में आम जनता का राज स्थापित होगा। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। दखल न्यूज में आज हम आपको मुलाकात कराने जा रहे हैं आलोक अग्रवाल। आलोक अग्रवाल जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं और मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं। आइए हम बात करते हैं आलोक अग्रवाल जी से चुनावी चर्चा को लेकर के। जी सर बताएं। आम आदमी पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। जैसा कि पहले हमने घोषणा की थी कि हम इस बार पूरी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और भाजपा और कांग्रेस की जो सरकारें रही हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार और लूट की राजनीति चलाई है उसका एक ईमानदार विकल्प देंगे। हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। आज तक हम 230 में 192 प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं और एक दो दिन में हमारे बाकी सारे प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। हमने पिछले 5 महीने से अपने प्रत्याशी को घोषित कर रखा है जिन्होंने पूरी तैयारी अपने क्षेत्र में कर ली है। भाजपा कांग्रेस सिर्फ 20 दिन का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और हम लोग जहां डोर टू डोर तक पहुंच रहे हैं, इंसान तक पहुंच रहे हैं, भाजपा और कांग्रेस शायद सिर्फ पैसा और दारू ही पहुंचाकर चुनाव लड़ना चाहती है। आम आदमी पार्टी कहना है कि वो डोर टू डोर मार्केटिंग कर रही है जिससे डोर टू डोर जाकर लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है, पार्टी के बारे में बताया जा रहा है, पार्टी के मोटिव के बारे में बताया जा रहा है। अभी हाल ही में आज ही संजय सिंह जी का आगमन हुआ है भोपाल में, पूछते हैं भोपाल में संजय सिंह जी चुनावी चर्चा को लेकर यहाँ आए हैं। निश्चित रूप से संजय सिंह जी अब आ गए हैं और वो चुनाव तक यहीं पे रहेंगे। इस समय आज इच्छावर में और शाम को नरेला विधानसभा में उनकी सभाएं हैं और इसके बाद लगातार पूरे मध्य प्रदेश में वो सभाएं करेंगे और दिवाली के बाद बड़ी संख्या में अन्य नेता भी मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं और आम आदमी पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व मध्य प्रदेश में आम आदमी को जिताने के लिए मैदान में उतरेगा। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या रहेंगे मुद्दे आपके, जैसे कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर लड़ते रहे हैं। जो ही पार्टी में आता है वही भ्रष्टाचार करने लगता है, जो ही सरकार में आता है वही भ्रष्टाचार करने लगता है। आपका क्या स्टैंड है इस पे? देखिए, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़कर पैदा हुई पार्टी है और हमने पिछले 3.5 साल में दिल्ली में चूंकि भ्रष्टाचार खत्म किया है इसलिए दिल्ली में आज बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। भाजपा कांग्रेस तो कुछ कह ही नहीं सकती, भाजपा के 15 साल में भ्रष्टाचार फैला है और कांग्रेस आज भाजपा के भ्रष्टाचारियों को, जिनको वो खुद मानती हैं कि भ्रष्टाचारी हैं, ऐसे विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। तो भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप
केवल नूरा कुश्ती के रूप में लगा रही है। आम आदमी पार्टी है जो ईमानदार विकल्प दे रही है, और हम मानते हैं कि अब जनता इनसे ऊब चुकी है और इस बार एक नया विकल्प की तलाश में है जो आम आदमी पार्टी देने वाली है। तो आम आदमी पार्टी दिल्ली की तर्ज पर यहाँ मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, लोगों को घर घर जाकर अपने चुनावी मुद्दे को बताएगी और मध्य प्रदेश को, जो मध्य प्रदेश अभी डेवलप नहीं हुआ है उसके तर्ज पर उसको डेवलप करने का प्रयास करेगी। ये थे हमारे साथ आलोक अग्रवाल जी जो कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं आम आदमी पार्टी से। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। चुनाव में वोटर को रिझाने के लिए जो किया जाए वो कम है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमशक्ल कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहा है। कांग्रेस मोदी के चेहरे को कैश करवाने के मूड में है। उत्तर प्रदेश का अभिनंदन पाठक नाम का यह व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमशक्ल है। इनकी शक्ल को कांग्रेस अपने तरीके से भुनाने की कोशिश में है। नरेंद्र मोदी का यह हमशक्ल खुद को कांग्रेस के लिए मर मिटने का दावा भी करता है। जगदलपुर कांग्रेस भवन में मोदी स्टाइल में अपनी बात कहते हुए अभिनंदन पाठक ने भाजपा और नरेंद्र मोदी पर वो सारे आरोप भी लगाए जो कांग्रेस और उनके नेता हमेशा से लगाते रहे हैं। नरेंद्र मोदी की भाजपा के खिलाफ एक और मोदी का प्रचार लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र तो था ही, साथ ही हमशक्ल होने की सच्चाई से नावाकिफ लोगों को भ्रमित भी कर रहा था। जगदलपुर में डोर टू डोर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगते अभिनंदन पाठक को देखकर लोग हैरान थे। छत्तीसगढ़ में इसे कांग्रेस का स्टार प्रचारक कहा जा रहा है। भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार कानों में सुनते सुनते अच्छे दिन का झूठा वादा करने वालों से नाराज होकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बने, स्वेच्छा से मैं यहाँ आया हूँ। मेरे चेहरे पे जमाने के हैं पहरे कितने, और मैं अगर मुंह से बोलूँगा तो उतर जाएंगे चेहरे कितने। पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी हों, 15 वर्षों में जो रमन सरकार यहाँ रही है, जो विकास छत्तीसगढ़ में होना चाहिए था नहीं हुआ है, महिलाओं पर अत्याचार, आदिवासियों पर अत्याचार और शहीदों पे राजनीति करने वाले लोग। जनता नेताओं की भद्द कैसे पीटती है ये छतरपुर में देखने को मिला। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक महाजनसंपर्क अभियान पर निकले तो लोगों ने उन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया। मामला है छतरपुर का। भाजपा के महा जनसंपर्क अभियान के दौरान केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक को जनता के विरोध का सामना करना पड़ा है। मंत्री पर आरोप है कि वह चुनाव के समय ही जनता के बीच आए हैं। इससे पहले वह कई बार आए और चले गए लेकिन जनता की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिससे लोग मंत्री जी से गुस्सा थे। इस विरोध में एक दुकानदार ने तो मंत्री को पहचानने से तक इनकार कर दिया। मंत्री को अपनी ही दुकान पर खरी खोटी सुनाई। मंत्री के साथ यह वर्ताव जिले के हरपालपुर कस्बे में पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान के दौरान किया गया। वहीं जनता के आक्रोश को देख केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक वापस लौट गए। समय एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कितना अच्छा होता ना अगर सरकार सब्सिडी वाले फिल्टर गांव-गांव बंटवा देती। आइडिया तो बढ़िया है तेरा, चल अभी भाजपा को सुझाव भेजते हैं। और शिवराज भैया हैं तो ये विश्वास है कि हमारे सुझाव से सबको फायदा होगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। बुकिंग्स मिल जाती है साहब? बुकिंग तो बहुत हो जाती है लेकिन सारा बेनिफिट बाहरी कंपनियां ले जाती हैं। सोच रहा हूँ कि आइडिया भाजपा को दूं। कस्टमर से जोड़ने वाली ऐप
गवर्नमेंट खुद बना दे ताकि हमारा बेनिफिट हमारी जेब में रहे। बहुत अच्छा आइडिया है, तो फिर समृद्ध एमपी बनाने में देरी क्यों करना? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। आइडिया है मेरे पास। अखबार छपने की डेडलाइन खत्म हो रही है और तुम लोग बैठकर बातें कर रहे हो। बातें नहीं सर, दरअसल मिलिंद अपना आइडिया शेयर कर रहा था। कोई इफेक्टिव आइडिया? हाँ सर। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में इतनी देरी क्यों करना? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। अब तो ऐसा लगता है ना कि कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर मैं जरूरतमंद लड़कियों को ये काम सिखा सकूं। लेडी स्किल शेयरिंग सेंटर, समृद्ध एमपी के लिए भाजपा को दीजिए ना ये सुझाव। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी किस बात की? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने अंतागढ़ में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो धान का समर्थन मूल्य 2400 रुपए किया जाएगा, 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा। अंतागढ़ विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी विधायक अनूप नाग के प्रचार प्रसार के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव अंतागढ़ विधानसभा के बांदे पहुंचे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका जोशीले अंदाज में स्वागत किया, जिसके बाद टीएस सिंहदेव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो धान का समर्थन मूल्य 2400 रुपए किया जाएगा, 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा, वहीं पांचवी अनुसूची के दायरे में सभी वर्गों को लाने के साथ लंबे समय से बंग बंधुओं की आरक्षण के मुद्दे को सरकार बनते ही प्राथमिकता दी जाएगी। टीएस सिंहदेव ने कहा, जल जमीन जंगल के तर्ज पर काबिज किसानों को वन भूमि पट्टा का अधिकार सभी को दिया जाएगा। इस बार चुनाव विक्रम उसेंडी या दूसरे प्रत्याशी का नहीं, इस बार चुनाव कांग्रेस की सरकार को बनाने का होगा और कांग्रेस की सरकार को बनाने के लिए अंतागढ़ विधानसभा से कांग्रेस को वोट मिलेगा। लोगों के बीच में जाना, लोगों की बातों को और समस्याओं को जानते हुए उनको आगे बढ़ाना, उनकी जिम्मेदारी लेना और उसे पूरा करने का आमजनों को विश्वास उत्पन्न। छठवीं अनुसूची लागू करने का कोई प्रश्न नहीं उठता, पांचवीं अनुसूची पर्याप्त है और छठवीं अनुसूची उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए जहाँ अति विशेष परिस्थिति रहती है उसी का भ्रम लोग फैलाते हैं कि छठी अनुसूची में दूसरा व्यक्ति कोई जमीन नहीं खरीद सकता इत्यादि इत्यादि। पाँचवीं अनुसूची में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आदिवासी हकों को सुरक्षित करने के लिए जो आवश्यक है पांचवी सूची और पेशा कानून पर्याप्त है, छठवीं अनुसूची का कोई प्रश्न। राजनीति में जीतने के लिए गठबंधन की खबरें आना आम बात है। सापाक्स पार्टी और संपूर्ण समाज पार्टी की संयुक्त बैठक में निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव दोनों दल गठबंधन के साथ लड़ेंगे। सापाक्स पार्टी के अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी ने कहा कि समान विचारधारा के अन्य राजनीतिक दलों से चर्चा करके उन्हें भी एक मंच पर लाया जाने का प्रयास किया जा रहा है। सापाक्स पार्टी गठबंधन की अगुवाई में ही प्रदेश में सरकार बनेगी जो निराश जनसामान्य की आकांक्षाओं को पूरा करेगी। सापाक्स पार्टी बनाने का निर्णय हम लोगों ने अगस्त में लिया और 31 अगस्त को हमने भारत निर्वाचन आयोग में इसके पंजीयन के लिए आवेदन किया। भारत निर्वाचन आयोग ने इसको जो है 27 सितंबर में प्रकाशित किया। इसकी अंतिम तिथि आपत्तियों की 28 अक्टूबर थी, इसलिए 29 अक्टूबर और 1 के बीच में ये संभव नहीं था भारत निर्वाचन आयोग के लिए कि वो पंजीयन करके हमें चुनाव चिन्ह देता। चूंकि पार्टी के रूप में उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है तो हम लोग एक चुनाव चिन्ह नहीं मिलने से पहले हम लोगों ने 20-21 दलों का जो एट्रोसिटी एक्ट
2016 में संशोधन करने के लिए, जो पदोन्नति में आरक्षण खत्म करने हैं और आर्थिक आधार पर आरक्षण जैसे मुद्दों पे हमारे साथ है, उनसे हमारे पहले सहमति बनी है कि हम एक साथ तालमेल करके चुनाव लड़ेंगे। उसमें संपूर्ण समाज पार्टी भी एक थी। संपूर्ण समाज पार्टी अब पूरी तरीके से हमारे साथ गठबंधन करने के लिए आज जुड़ रही है और इनका कहना है कि ये जो है हमारे नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। सापाक्स की बैठक में संपूर्ण समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अनुराग पांडे एवं प्रदेश अध्यक्ष केदार सिंह तोमर सहित दोनों पार्टियों के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सापाक्स पार्टी के चुनाव आयोग में पंजीकरण में विलंब हो रहा है और सापाक्स को चुनाव चिन्ह नहीं मिल पा रहा है। इसी कारण से सापाक्स पार्टी संपूर्ण समाज पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़ेगी। छेड़छाड़ और मनचलों से परेशान होकर बिजावर में एक नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उसका शव आम के पेड़ पर लटका मिला। बिजावर के ग्राम महुआझाला में कुशवाहा परिवार की एक नाबालिग लड़की ने आम के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लड़की के परिजनों ने बताया, महुआझाला गांव के दो युवक लड़की को परेशान करते थे और हमें धमकियां देते थे, जिस कारण लड़की ने आत्महत्या कर ली। लेकिन इसके बावजूद बिजावर पुलिस ने गलत मामला दर्ज किया है। एक 16 नाबालिग लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष है, कुशवाहा परिवार की, उसका पोस्टमार्टम भी किया गया है और ये हैंगिंग का केस है, एंटीमार्टम हैंगिंग है, मतलब फांसी लगा के लड़की ने आत्महत्या की है। सब फांसी लगा के भाई नातन खत्म। हम गए कोतवाली गए, हम रिपोर्ट लिखावे गए तो रिपोर्ट लिखाई हमने, तो उनने कहा कि हम रिपोर्ट नाम में इतने ना लिखें, हम गवाह पे नाम लिखे थे। फिर बोला हमने कि साहब अल्ताफ का लड़का, रिपोर्ट लिखो नाम दर्ज। उन्हें नाम दर्ज ही नहीं लिखा, हमको मारवे की धमकी दी कि नहीं अल्ताफ की लड़का ने। एक दिन हमको 12 नंबर ले मिले थे, नंबर 2 का हथियार ले, उसने जा गई कि कक्का हम तुम्हारा घर भर मार दें। पीड़ित परिवार ने बताया, हम लोगों के बार बार कहने के बाद भी पुलिस ने उन लड़कों के नाम नहीं लिखे हैं जो लड़की को परेशान करते थे। अब इस बारे में जांच अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बयानों के आधार पर और जो तथ्य सामने आए हैं उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कितना अच्छा होता ना अगर सरकार सब्सिडी वाले फिल्टर गांव-गांव बंटवा देती। आइडिया तो बढ़िया है तेरा, चल अभी भाजपा को सुझाव भेजते हैं। और शिवराज भैया हैं तो ये विश्वास है कि हमारे सुझाव से सबको फायदा होगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना, तो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव, मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। बुकिंग्स मिल जाती है साहब? बुकिंग तो बहुत हो जाती है लेकिन सारा बेनिफिट बाहरी कंपनियां ले जाती हैं। सोच रहा हूँ कि आइडिया भाजपा को दूं। कस्टमर से जोड़ने वाली ऐप गवर्नमेंट खुद बना दे ताकि हमारा बेनिफिट हमारी जेब में रहे। बहुत अच्छा आइडिया है, तो फिर समृद्ध एमपी बनाने में देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव, मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। आइडिया है मेरे पास। अखबार छपने की डेडलाइन खत्म हो रही है और तुम लोग बैठकर बातें कर रहे हो। बातें नहीं सर, दरअसल मिलिंद अपना आइडिया शेयर कर रहा था। कोई इफेक्टिव आइडिया? हाँ सर। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में इतनी देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव, मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। अब तो ऐसा लगता है ना कि कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर मैं जरूरतमंद लड़कियों को ये काम सिखा सकूं। लेडी स्किल शेयरिंग सेंटर, समृद्ध एमपी के लिए भाजपा को दीजिए ना ये सुझाव। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी किस बात की, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव,
मेरा चुनाव समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। देख रहे हैं दखल न्यूज़।